नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप लोकल 18 देख रहे हैं। देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए चार्जिंग पोर्ट जो है वो जगह जगह पे लगाए जाते हैं। अभी मैं एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया है और वहाँ पर चार्जिंग में मोबाइल को लगाया हुआ है। लेकिन आपको बताएँ कि साइबर फ्रॉड जो है इस चार्जिंग पोर्ट के द्वारा भी होता है। ये देखिए कि बड़ी सफाई से साइबर फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं वो इस केबल को बदल देते हैं, और उस इन्फेक्टेड केबल को अगर आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जितनी भी निजी जानकारियां हैं वो उनके पास ट्रांसफ़र हो जाती है। नया तरह का ये साइबर फ्रॉड है जो कि आम जगहों पे देखने को मिलता है, खास करके पब्लिक जगहों पे, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं या एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह के साइबर फ्रॉड देखने को मिलेंगे जिसमें कि केबल जो है वो बदल दिया जाता है। और उस इन्फेक्टेड केबल को अगर आप अपने मोबाइल में लगाते हैं, यूज करते हैं, तो जैसे ही आप लगाते हैं उसी क्षण आपके मोबाइल का सारा निजी डेटा जो होता है, प्राइवेट डेटा जो होता है, वो साइबर फ्रॉड के पास चला जाता है। नए तरह का ये साइबर फ्रॉड है और जिसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस तरह का जो साइबर फ्रॉड है ये अमूमन बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन पटना में भी ये अब देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पटना जंक्शन पर जो है इस साइबर फ्रॉड को लेकर के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बताएं कि देखिए कि ये जो चार्जिंग पोर्ट है, इस चार्जिंग पोर्ट को आप देख रहे हैं, इस चार्जिंग पोर्ट में जो भी केबल इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ये केबल आपके नहीं हैं और आप अगर किसी और का केबल इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लोग ऐसा करते हैं, अमूमन चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं कि किसी और के केबल में भी अपने मोबाइल को वो इंगेज कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि आपके साथ एक बड़ी साइबर फ्रॉड की घटना घट सकती है। आप देख रहे थे लोकल 18, लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।